हेलो फ्रेंड्स, 3 लेयर वाला फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोस्त से 3 साल बच्चे के फ्रॉक कटिंग करेंगे। ये हमारा बॉडी का कपड़ा है, ये कपड़ा है, ये मैंने ऊपर से अस्तर रखा हूँ। ये बैग बॉडी हमारा एक ही कटिंग होने वाला है, सिर्फ बैग और बॉडी में हारा हम कम ज़्यादा करेंगे। इसके लिए मैंने फोल्ड कर दिया पहले इधर से, ये अलग अलग पार्ट से एक बैग का एक बॉडी का, और इसमें हम घेरा कट करेंगे। फिर हम पहले बॉडी कट करेंगे फ्रेंड्स। बॉडी का लंबाई हम 11 इंच रखेंगे, लंबाई 11 इंच है। इसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे, शोल्डर हम 4.5 इंच कर लेंगे। इसमें से हम 2 इंच गला का मार्जिन लेंगे चौड़ाई, 3.5 इंच लंबाई लेंगे। इधर से भी हम 2 इंच लेंगे और गला हम पहले से बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये गला मार्जिन हमारा गला में गोल गोल रखने वाला। इसके बाद हाले का मार्जिन हो लेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच लंबाई लेंगे। और यहाँ से हमें चेस्ट लेना है, चेस्ट हम 6 इंच में लेंगे। और नीचे हम जितना चेस्ट है नीचे हम इसे 1/2 इंच कम रखेंगे। इसे हम यहाँ से सीधा कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ भी हम जितना यहाँ हमारा है 4.5 इंच, तो हम यहाँ 4 इंच लेंगे। यहीं से हमें आधे का लेना है, और यहाँ से हमें हल्का सा गोलाई लेना है नीचे से। ये हमारा हो गया, ऐसे हम कटिंग करके निकालेंगे। फिर ये हमारा बैक का पार्ट है, बैक के ऊपर हम 1 इंच हम गिराएंगे। ये 1 इंच यहाँ मिला देना है, और पीछे हम कटिंग कर देते पहले। पहले हम इधर बैक कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बॉडी की तरह अलग से करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा कट कर तैयार है। इसमें हम सिर्फ बॉडी में हम कट कर अस्तर वाला पार्ट में हम कट करेंगे। इसे हम सिलाई के और हम इसे कटिंग करेंगे। हम फ्रेंड्स, ये हमारा बॉडी तैयार है कट कर। गले में हम पेपिन लगाएंगे, हाँ पीछे साइड बैक साइड भी हम फ्रेंड्स। ये मैंने ट्रांसफर इधर कटिंग कर दिया। इसमें हम एक यहाँ फिर डालेंगे, एक हम बीच में डालेंगे, और एक हम यहाँ डालेंगे यहाँ। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ हम डालेंगे 4 इंच है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच हमारा कमान में जाएगा, और 1/2 इंच हमारा ये ढक नहीं दिखे, इसके लिए ढकने के लिए हम 5 तीनों फ्रेम 5 इंच कटिंग करेंगे चौड़ाई। और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लंबाई भी हम यहाँ पे 50 से 60 इंच रखने वाले। हम पहले कपड़े को इस तरह हम कपड़ा खोल रहे पहले से, इस तरह सही करके कम कटिंग करना पड़ा। इसीलिए हम 4 फोल्ड में लिए पहले कपड़ा, 5-5 इंच का हम
5 इंच का लेंगे, 3 पट्टी। इसी से हम सीधा करेंगे डिटेल समझ से। कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा 3 पट्टी कटिंग हो गया। इसमें हम गहरा इसको बनाएंगे। ये हमारा बॉडी पार्ट है। टेपिंग हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके लिए हमें ये कपड़ा सीधा है, हम क्रॉस करके हम कटिंग करेंगे। से 1.5 इंच करें, 2 पट्टी लेना है। जॉइंट लगाएंगे हम, सेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स इसमें हम स्टिचिंग अप करेंगे। फ्रेंड्स पहले हम बैग में हम ओपन पहले खोलेंगे। इसके लिए हम पहले इस तरह फोल्ड करके हम पहले एक सेंटर में हम एक झटका लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ से 3 इंच में हम एक इस तरह ऐसे हाँ यहाँ पे गोलाई लेके इस तरह हम एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे बीच में। इसके बाद हम इस तरह पलट कर अच्छे से यहाँ पे हम एक किनारे हम यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारा इसमें हम हुकाई लगा करेंगे या फिर एक बटन लगाएंगे, आप जो चाहिए आप लगा सकते हैं। ये बॉडी है हमारा, बॉडी हम सिर्फ अच्छे से अस्तर का जो कटिंग है इसमें हम सिलाई लगाएंगे और ये वाला हम कट कर निकाल देंगे पहले। हो गया इधर हम सिलाई लगा देंगे पहले, वहाँ सेंटर बराबर है। सीधा हम इधर भी नीचे भी लगाएंगे। कपड़ा हम कटिंग करके निकाल देते हैं। हो गया। अब हम इसमें भी सीधा लगा देंगे इधर साइड में हाले में।
फ्रेंड्स ये हमारा तैयार है। इसमें हम अब बैग बॉडी अटैच करेंगे। इधर हम दोनों साइड हम जॉइंट करेंगे। कंधी ज्वाइन कर लिया। इसमें हम पेपिन लगाएंगे इधर से। फ्रेंड्स ये मेरे पेपिन कटिंग या ओरेफ वाला। इसमें हम गले में उल्टे साइड से हम लगाएंगे इधर से। फ्रेंड्स आप पेपिन कभी भी लगाओ तो आप ओरेफ पेपिन गले में ओरेफ की पेपिन लगाएं। कपड़ा अगर वेस्ट स्ट्रेच कपड़ा नहीं है तो नहीं तो भी आपका आड़ा पेपिन भी चल सकता है। पेपिन गले आप जब भी लगा तो हल्का सा खींच कर लगा हल्का सा। और अब हमेशा आधा इंच दोनों साइड जैसे मैंने छोड़ा है कपड़ा इतना आपको छोड़ना है ताकि ये अंदर से मोड़ने के लिए ये अंदर इस तरफ पक्का हो हमारा। फ्रेंड्स अब हमें ये वाला इस तरह मोड़ कर हमें अच्छे से हमें जितना पतला चाहिए वो इतना पतला कर सकते इस तरह। तो हमें अंदर कपड़ा मोड़ कर पेपिंग में किनारे हमें इस किनारे में सिलाई लगाना। फ्रेंड्स ये हमारा गले का पेपिन तैयार है देख सकते हैं। इसमें भी हम एक बटन अटैच करेंगे। पेपिन लगाएंगे दोनों साइड। मैंने कपड़ा पेपिन लगा लिया इधर भी। ऐसे हम इधर से मोड़ कर तो हम पक्का करेंगे जिस तरह हम गले में पक्का किए इस तरह। फ्रेंड्स ये हमारा तैयार है पेपिन। हाले गाले में हमें पेपिन यूज किया। इसके बाद हम घेरा बनाकर अटैच करेंगे। उसके बाद हम एक बीच में हम बो लगाएंगे। चलिए फिर घेरा बनाते फ्रेंड्स। ये घेरा है हमारा अस्तर वाला। इसमें हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद पहले हम एक नीचे एक घेरा हम बनाएंगे नीचे से अटैच करेंगे जैसे। फ्रेंड्स यहाँ से हम ये उल्टा साइड में
उल्टा साइड से हमें भरना है, नीचे वाला पार्ट में पहले भरना है। इस तरह हमें हल्का हल्का गलियों देना है। फ्रेंड्स इस तरह हमें नीचे हल्का हल्का ग्रीजिंग डालना है। इसके बाद इस तरह पलट कर हम एक दाब का हम इसमें सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारा तैयार है घेरा नीचे का। इसके बाद हमें इस यहाँ पे बीच में हमें भरना है। इसके लिए हम यहाँ पे ना आप 7.75 है, 4.25 हमें यहाँ से 4.25 हम इस तरह मार्जिन करेंगे। इसी के बराबर हमें भरना है। फ्रेंड इस तरह हमें इसके दोनों के बीच में हमें एक टिक लगाना है। इसके हिसाब से हमें बीच वाला जो फ्रिज है हम इसमें अटैच करेंगे। हमें हल्का हल्का गेजिंग डालना है। आप जब ये इस तरह आप घर बनाओगे तो ये ऊपर वाला आप ये वाला देखो कितना मेरा खाली जा रहा है। इसके हिसाब से आपको मेरा बनाना तैयार है। अब यहाँ पे हम घेरा बनाएंगे, यहाँ पे भरेंगे फिर ऊपर वाला। ये हमारा सेंटर बराबर आना चाहिए। इस तरह में नीचे ऊपर वाला हमें कुछ देखना नहीं है, बस इसके बराबर में हमें कप रहना चाहिए या फिर बराबर में पट्टी। हमारा जो घेरा है वो तैयार है। ये 3 लेयर वाला घेरा है हमारा। अब इसमें हम बोरी अटैच करेंगे। बॉडी में डिजाइन डालने के लिए हम एक बो बनाने वाले हैं। बो का लंबाई 8 इंच है, चौड़ाई 3.5 इंच है। तरह हमें इस तरह फोल्ड करके इस तरह दोनों किनारे में हमें सिलाई लगाना है। वैसे हम उल्टी कर देंगे पहले इस तरह। ये नोक को निकाल देना, ये हो गया। अब इस तरह से हमें बो को बना लेना। फिर इस तरह हमें धागा रखने के बाद इस तरह हमारा बो तैयार। इसमें हम एक बटन लगाएंगे पीस रेडी होने के बाद। फ्रेंड्स यहाँ से हम एक सेंटर देंगे बॉडी में इस तरह। हमें जितना हमारा घेरा चगने वाला है इतना हम छोड़कर ये हम बो पर अटैच करेंगे इस तरह। फ्रेंड्स ये हमारा बॉडी तैयार है। इसी तरह हम घेरा भी दोनों साइड अटैच करेंगे पहले।
में ये वाला पट्टी हमें अच्छे से मिला लेना इस तरह से। नीचे वाला भी हमें ध्यान रखना, ये वाला तरह से हमें अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग करके निकालेंगे। और एक हम यहाँ पे बीच में एक हम चटका लाएंगे और सेंटर के लिए, और यहाँ से हम एक ये वाला जॉइंट से हम घर चाहेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा हम एक दांत से हल्का दवा ज़्यादा देकर मार्जिन देकर घेरा हम चाहेंगे। जॉइंट हमारा मिलना चाहिए, ये चटका ये जो साइड वाला जॉइंट जो है। ये वाला बो जो है इस तरह हमें अंदर से हल्का सा पकड़ कर अंदर पकड़ देना इस तरह, और यहाँ से हमें अच्छे से चढ़ाना है इसे। ये हमारा सिलाई में दबना नहीं चाहिए बो। फ्रेंड्स ये मैंने बो में एक बटन चिपका लिया। ये हमारा सो तैयार है, तीन लेयर वाला। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का मिलता रहे। फ्रेंड्स फ्रॉक या हमारा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट में जरूर बताइए, और कोई भी फ्रॉक और फैशन डिजाइन से कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।